वार्ड नंबर 3 और 4 के मध्य आने वाली एक गली की सुध कोई नहीं ले रहा है। वार्ड वासियों का कहना है कि ना 3 नंबर वार्ड का पार्षद सुनता है, ना वार्ड नंबर 4 का। उन्होंने कहा कि गौरव वडेहरा ने यह गली खुदवाई थी, पाइपें जरूर बिछवाई थी पानी के लिए, पर ना तो उन्हें कनेक्शन दिए गए, ना गली बनवाई गई। 6 महीने से गंदगी फैली हुई है। लोग अपने पास से पैसा देकर मलबा उठवा रहे हैं और आने जाने में दिक्कत हो रही है। उनकी कोई सुध नहीं ले रहा। इस संबंध में जब वार्डवासियों ने मेयर पन्नालाल भाटिया से मिलना चाहा, तो शहर में ना होने के कारण वार्डवासियों की मुलाकात मेयर से नहीं हो पाई। नमस्कार जी, मेरा नाम धर्म सिंह है। मैं 3 और 4 वार्ड नंबर का सदस्य। साढ़े घर बाबा बड़भाग सिंह जगह जी, साडा MC बिल्ला लाटरी वाला जी, दूजी वार्ड का MC 4 नंबर सोफ्टी। समस्या आ रही है, देखो जी, साड़ी गली 5-6 महीने होया पुट के गए ही, तो दोबारा बनाई नहीं इन्होंने, जिदे गली महल डेंगू भी हो गया। साढ़े मेरा खुद का बच्चा बीमार हो गया, सामने 2-4 होर भी पेशेंट मतलब कि बीमार हो गए। एक साडा बजुर्ग बेचारा ऐसे शिकायत भी सब बेचारा एक्सपायर हो गया। साड़ी गली दे विचों एक दिन मुर्दा लंघ रहा सी, तो वह बेचारे जिन्हें मुर्दा चुकया होया सी संस्कार वास्ते जा रहे सी, उन्हां दा एक बंदे दा पैर फिसलिया, तो मसा बंदे ने फड़िया ते सांभिया उसनू। अज किन्ने दिन होण लगे, देखो जी, इहदा कोई भी समस्या दा हल नहीं होया। तो साढ़े बाबा बड़भाग सिंह जगह आ, और इन्ना मच्छर इन्ना गंदगी कोई हिसाब नहीं। अही खुद मतलब कि आ गुरपुरब के उत्ते अपने कोलों पैसे ला के तो मलबा चुकाया ही 6 महीनों के बाद, अजे भी साड़ी गली टुटी हुई है सारी। सानू यह गली क्यों नहीं बना के दे रहे, ना कोई फेरा पाते, ना गल ना बात, तो साड़ी गली बनाई जाए। सारी गली साड़ी टुटी दी है, साढ़े अगे मोटरसाइकिल डिगदे न्याणे दे, मोटरसाइकिल कढ़ना औखा ही। अपने मुंडे ने आपे ही साढ़े ने पुट्टी जगह, ए मुंडे नूं छोटे नूं पूछ लो, आपे मलबा चका के अपने मोटरसाइकिल ते रख के बाहर सुट्टी आ सी। दसो सानू की फायदा, वोट लैन आंदे आ ते पुट जांदे आ, जो हुण फिर आना ते फिर इन्होंने कर लैनी कार्रवाई। बस ये सानू भी साढ़े सुधार करो, जे पुट्टिया सानू, हाँ जे सानू भी गलियां पुट्टिया, पानी लियाओ ता जा साफ करो इन्हां नूं। नमस्कार जी, मैं वार्ड नंबर 4 ते 3 का वासी हाँ। मेरा नाम अनिल कुमार सन्नी है। इन्हों 5 या 6 महीने हो गए हैं गली टुटे दे, गली टुट गई, इन्होंने ना मलबा चुकाया ना कुछ किया। पहली बार अं मीडिया से खबर लोई है तो कहें 20 दिन तक बन जाएगी। दूसरी बारी खबर लोई है तो इन्हों का मेयर साहब का जवाब आया कि अं 10 दिन के कोई ना कोई कार्रवाई पावे। फिर सूँ अज मेरे सामने 1 महीना हो गया, देखें कोई गलबात नहीं हो रही। साढ़े इतों एक बंदा एक्सपायर होया ही, अं गल पहले भी कही है, फिर रिपीट कर रहे हैं कि वह जरा बंदा एक्सपायर होया ही, 4 बंद ने चुके दिया, उन्हें ठेडा लग गया, थले डिगे ही। इन्हों का कोई रिप्लाई जवाब नहीं आया, तो अं आप हार के मलबा आप चुकाया पैसे दे के। अं मेयर साहब और MLA अगर बेनती करते हैं, अगर उन्हों को कम नहीं होंगे, अगर जिदा अं पैसे दे के मलबा चुकाया तो अं पैसे दे के गली भी बनवा सकते हैं, अगर यह सूँ जवाब दे दें तो ठीक है। ना सूँ कोई भी जवाब नहीं आ रहा। प्लस गल है कि नालियाँ इन्नी गंदियाँ, नालियाँ की भी सफाई कोई नहीं होती। फिलहाल तो इन्हें अगर अं बेनती करते हैं, सूँ यह गल का जवाब दिता जाए, एक गली बना सकते हैं या नहीं बना सकते। सरकार अगर अं हाथ जोड़ते हैं, ये जिन्हें भी पैसे है पब्लिक दे है, ये जी गली पैपा वजदी है ना, वो कोई कम दी है ना, तो किसी कनैक्शन देते है। कांग्रेस सरकार अगर हाथ जोड़ के बेनती है, यह पैपा कड़िया जाए, यह पैपा उत्थे पा दो जिते तुम कनैक्शन देना है, ना तो किसी गली बना दे रहे हो, ना तो कनैक्शन दे रहे हो पानी का। बेनती है तुहाडे अगे, अगर नहीं तो कनैक्शन ज गली बनानी, यह पैपा कड़िया जाए, उत्थे दवो जिते गली भी बन जाए और जिते कनैक्शन भी मिल जाए, मेहरबानी। मुड़िया ने मुड़िया ने अपने को पैसे दे के सफाई कराई है, इतने एक बार दे कभी 2 MC होने चाहिए, ठीक है। नाल बाबे की जगह अगे मंदिर है शिवजी का, इतों चौं चौं शुरू हो जाओ जंजा म्हल्ले दे, अगे पप्पे की दुकान तक चल जाओ, आ सारी गली टुटी दी है, उत्थे इन्ने टोए पे दे आ कि वेले साढ़े पापा जी एक्सपायर होया, इतों इन्नी गंदगी च मच्छर लड़े, डेंगू होया उन्होंने, वह एक्सपायर होया, किसी ने नहीं पुछया, कोई गली बना नहीं आया, कोई नहीं आया। एक सोफ्टी ने आ गली तोड़ी दी है, तू गली उस दिन बना तोड़ जदों पैपा पानी है, जे बनानी है गली दे उस वेले पैप पैपा बिछाओ, नाल कनैक्शन दो तो गली बनाओ, ठीक है जी। ए 2 MC इस महल के है, MC हमेशा एक होना चाहिए, इन्ना गंद पा रहे थे, ना उधरों कोई बोलता है, ना कोई उधरों बोलता है, किदा अं किधर जाइए। जिला पठानकोट का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व कॉलेज, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध।
डेडिकेटेड कोरोना वार्ड, एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, व्हाइट मेडिकल कॉलेज भुंगल नियर डीएलएम रिसोर्ट पठानकोट। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज़ पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।